इस मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर। तो मेरे को पहले लगता था कि मैं ही एक पागल हूँ, लेकिन यहाँ पे जब पागल बाबा के नाम पे इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत दिल को सुकून मिलता है कि मेरे जैसा और भी यहाँ पे पागल है। तो आज के इस व्लॉग में मैं शो करूंगा पागल बाबा मंदिर। ये जो भाई साहब है, ये एक्चुअली मेरे को पहले यूट्यूब में फॉलो करते थे, फिर मेरे को लेने के लिए आए। सो ही इज फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट, ये मेरे गांव से ही है, मतलब गांव से नहीं है, मेरे जिला से हैं। तो इनके साथ अभी घूम रहे हैं, ज़्यादा कुछ दिखाने वाला है नहीं, पागल बाबा मंदिर। एक्चुअली जहाँ से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये जगह मतलब पागल बाबा जो मंदिर है, ये कितना फ्लोर का है मुझे पता नहीं है, 5 या 6 फ्लोर का होगा। अंधेरे में आ गया। और 5 या 6 फ्लोर का जो मंदिर है, ये सबसे ऊपर, मतलब मंदिर में मैं जस्ट पहुंच चुका हूँ। सीढ़ी कहाँ है वो नहीं दिख रहा है भाई, सीढ़ी कहाँ है वही नहीं दिख रहा है। चढ़ तो गए हैं लेकिन सीढ़ी, अरे इधर है सीढ़ी, कहाँ है सीढ़ी, सीढ़ी आके खो गया पागल बाबा मंदिर में, हम भी पागल बन गए। कैसे निकलेंगे भाई, मेरा बैग बहुत बड़ा है, इस जगह से जा ही नहीं सकता। अच्छा हाँ निकल गए, सीढ़ी नहीं दिख रहा था वही, हम सोचा अरे इधर में भी सीढ़ी बंद है, कहाँ से सीढ़ी है, ऐसे लग रहा था। ये मंदिर का जो खास बात है इनका, मतलब वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसे माना जाता है कि 4,000-5,000 मंदिर हैं, उनमें से खास मंदिर मेरे को यही लगा पागल बाबा मंदिर, क्योंकि दिस प्लेस में शांति बहुत है और यहाँ पे ज़्यादा शोरगोल नहीं है और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। मैं तो खाली बस आया हूँ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और थोड़ा सा चीज़ों को महसूस करने के लिए। अरे गिर वीर ना गया, यहाँ पे भी सीढ़ी खो रहे हैं, पता नहीं यार कैसे कैसे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, पागल बाबा मंदिर पे बहुत सारे और मंदिर है, ऊपर में पागल बाबा का क्या बोलते हैं मंदिर था और यहाँ पे जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर ये वाले, और इससे नीचे वाला जो फ्लोर है उस पे और कुछ मंदिर होगा, देखते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ वृंदावन, सच में बहुत सही वाइब्स लग रहा है। और मेरा देश में इतना कुछ है, क्या बोले, श्री बामन भगवान मंदिर, दिस इज द बामन भगवान मंदिर। और आगे यहाँ से दिखाऊँ तो पीछे पूरा वृंदावन दिख रहा है, और दूर में से प्रेम मंदिर उस तरफ दिख रहा था, लेकिन यहाँ से जो है पीछे पूरा वृंदावन दिख रहा है। और ऐसा कुछ पागल बाबा मंदिर पीछे से दिख रहा है, एक बार कैमरा लेके चलूँ तो, ये कैमरा ऊपर नहीं हो रहा है, नहीं तो दिखा देता। हाँ हो गया कैमरा ऊपर, ये देखो दिस इज हाउ इट्स लुक्स, ये ऊपर में ये है पागल बाबा मंदिर। यहाँ पे वृंदावन के जो मंदिर है, लगभग आप कभी भी घूमने के लिए आओ, इसमें एक चीज़ है कि लगभग 8:30 से 9 के बीच में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप अपना जो टाइम है उसको उस हिसाब से बना लेना और उस हिसाब से घूमना, नहीं तो दिक्कत ये आ जाएगा कि आप मतलब रात में आ गए घूमने के लिए और मंदिर बंद मिले, या फिर मंदिर के ऊपर रह गए और मंदिर बंद हो गया, फिर आप यहाँ पर पूरी रात के लिए फंस जाओगे। और शाम को 4 बजे खोलता है ये मंदिर और प्रेम मंदिर भी शाम को। अच्छा वृंदावन में जितने सारे मंदिर है सुबह सुबह नहीं खुलता है ना, अच्छा 2 बजे तक। अच्छा भगवान को भी रेस्ट चाहिए ना, भगवान को भी थकान होता है, ऐसा है। बस ऊपर से उतर रहे हैं, यहाँ पे कुछ है नंद यशोदा मंदिर, एक बार दिखाता हूँ, नंद यशोदा मंदिर
यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा दिमाग कैसे काम करेगा। आई एम वर्किंग ऑन टू यूट्यूब चैनल्स, एक फेसबुक पे वार्ता मीडिया और दूसरा है यूट्यूब पे होम आउट ट्रैवलर। तो फेसबुक पे होम आउट ट्रैवलर पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, जस्ट यूट्यूब पे जो ब्लॉग डालते उसको सेम डाल देता हूँ, बट फेसबुक पे मेरा जो पेज है दैट्स आई लव टू मेक कंटेंट इन बंगाली, क्योंकि दैट्स हैव माय प्रेफरेंस, मुझे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आता है हिंदी के अलावा, सो क्यों ना बनाया जाए उस लैंग्वेज पे वीडियो। सो दिस इज व्हाई मैं बहुत बहुत बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे किस चीज़ में बनाना है, बंगाली हिंदी इंग्लिश जो जो आता है सारे चीज़ों में बना रही है वीडियोस बनने से मतलब। अरे गेट बंद हो गया, पागल बाबा मंदिर है उसके ऊपर से नीचे आ गया है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मंदिर होने वाली है बंद, और बंद के साथ साथ हमें भी निकलना होगा क्योंकि 8:30 और यहाँ पे 8:30 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। यहाँ से ये पता चला कि पागल बाबा जो थे वो असम के थे और वो बंगाली थे, यही पता चला, असम के थे और बंगाली थे, और उनको इधर मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष प्राप्त मीन आप अंग्रेजी में समझ सकते हो एनलाइटमेंट, और उनको 7 बार काली माता दिखे थे, और उनका जब मतलब डेथ हुआ वो जब चले गए अपने शरीर छोड़ के, तो उसके बाद जो पागल बाबा थे, ये जो मंदिर है पागल बाबा ये मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शेट आते आते आवाज़ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे के चले गए थे। दिस इज ऑल अबाउट द पागल बाबा मंदिर, बहुत सही लगा मंदिर, आप मेरे पीछे एक बार ही देख लो, दिस इज हाउ द मंदिर बंद हो चुका है, बट यह है पागल बाबा मंदिर।